आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सीतापुर में धान लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को टैंकर ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी भयानक थी, टैंकर में आग लग गई। टैंकर में बैठे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। 5 लोग आग से बुरी तरह झुलस गए। सभी को पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा, एक की हालत गंभीर। जानकारी मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया, नेथा आयल का टैंकर और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 5 लोग घायल है। पूरा मामला थाना खानगांव इलाके का है। ये थाना क्षेत्र थानगांव में मुरतपुर गांव पड़ता है। मुरतपुर गांव के पास में एक बिस्वा शुगर फैक्ट्री का एक इथेनॉल का टैंकर और एक धान का ट्रैक्टर, ये आपस में सामने सामने टक्कर होने के कारण यहाँ एक्सीडेंट हुआ और जो टैंकर है वो पलट गया। उसका इथेनॉल जलने के कारण यहाँ आग लगी थी। यहाँ पे तत्काल चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इमीजिएटली यहाँ पे 5 फायर टेंडर्स पहुँचाए गए। साथ ही साथ लोकल जो CO SDM ये मौके पे पहुँचे, DM साहब और मैं भी यहाँ पे मौके पे अभी मौजूद हूँ। CFO यहाँ मौके पे मौजूद है। CFO के रिपोर्ट के अनुसार और 5 जो गाड़ियाँ यहाँ पर है उनके द्वारा जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। जो यहाँ की जानकारी है उसके अनुसार ये पता है कि जो टैंकर था उसमें 5 लोग टोटल बैठे थे, जिसमें से 4 लोग अस्पताल में अभी इलाज कर रहे हैं, 3 लोग सामान्य हैं, 1 व्यक्ति को रेफ़र किया गया है और जो ट्रैक्टर चला रहा था वो एक व्यक्ति है जो अस्पताल में इलाज कर उसका कराया जा रहा है। इस तरीके से 5 लोगों का इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति की जो मृत्यु है वो कंफर्म है, उसके बारे में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बिस्वा शुगर फैक्ट्री है वो इसी तहसील में स्थित है, उनके सेफ्टी इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है और उन्हीं के जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल से उसको देखते हुए उनके माध्यम से ये जो टैंकर है उसको हटवाने की आगे की कार्रवाई की जा रही है। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।